दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro और Realme X फोन का फुल डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। अगर आपका मन में कहीं भी कंफ्यूज है Realme X और Redmi Note 8 Pro फोन को लेके, ये दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा होगा, कौन सा फोन बेहतर होगा, कौन सा फोन में क्या देखने को मिलेगा आप लोग को और दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। इस वीडियो देखने के बाद में आशा करता हूँ आपका पूरा कन्फ्यूज दूर हो जाएगा और बहुत ही ईजिली आप चर्च कर पाओ ये दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर होगा और कौन सा फोन अच्छा होगा। और दोनों फोन में से किसी भी फोन को आप लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो लास्ट तक। इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये दोनों फोन का फुल डिटेल्स बताने वाला हूं, ये दोनों फोन में क्या डिफरेंस होने वाला है, ये दोनों फोन का प्राइस बहुत ही एग्रेसिव है और दोनों फोन का प्राइस बहुत ही सिमिलर होने वाला है। दोनों फोन का प्राइस बहुत ही सिमिलर होने वाला है। रेडमी नोट 8 प्रो फोन का भी प्राइस 15 से 20 हज़ार का अंदर ही रहने वाला और यहाँ पे बात करते हो रियलमी एक्स, इसका प्राइस भी 15 से 20 हज़ार तक ही है। तो ये दोनों फोन का प्राइस बहुत बराबर है और बहुत ही सिमिलर है और दोनों फोन में का बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो इस वीडियो देखने के बाद में आपका सभी कंफ्यूज दूर हो जाएगा। Redmi Note 8 Pro फोन लॉन्च हो रहा है 29 अगस्त को चाइना में और सितंबर में यह फोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा और Realme X फोन ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, यह तो लॉन्च हो गया पहले ही। तो चलिए देख लेते हैं Redmi Note 8 Pro और Realme X फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, ये दोनों फोन में से कौन सा फोन जीतता है और कौन सा फोन विनर बनता है। तो पहले यहां से डिस्प्ले से शुरू करते हैं। Redmi Note 8 Pro फोन में डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.39 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया जाएगा और इसमें जो लीक्स आ रहा था एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं होगा, IPS LCD डिस्प्ले के साथ ही आएगा Redmi Note 8 Pro फोन। और इसमें एक डॉट नॉच भी दिया जाएगा जैसे Redmi Note 7 Pro फोन में दिया गया है, सही में ऐसे एक नॉच देखने को मिलेगा Redmi Note 8 Pro फोन में। और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो Realme X फोन तो इसमें भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है Realme X फोन में। और इसमें आप लोगों को नॉच उच कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, इसमें पॉपअप सेल्फी दिया गया है इसलिए इसमें नॉच उच नहीं मिलता है, फुल बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है, इसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो ये दोनों फोन का कैमरा के बारे में, तो ये दोनों फोन में कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है, हम सब लोग चाहते हैं फोन में कैमरा अच्छा हो, हम सब लोगों के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कैमरा। तो दोनों फोन में कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन के बारे में, तो इसमें वर्ल्ड का सबसे पहले 64 MP का कैमरा दिया जाएगा और इसमें 4 कैमरा होने वाला है, क्वाडकर कैमरा के साथ में आएगा Redmi Note 8 Pro फोन। इसमें जो प्राइमरी सेंसर दिया जाएगा 64 MP का f1.7 अपर्चर का साथ में प्राइमरी सेंसर दिया जाएगा और जो सेकेंडरी सेंसर होगा 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, जो टच सेंसर होगा ये 5 MP का टेलीफोटो लेंस के लिए होगा और जो फोर्थ कैमरा होगा ये होगा 2 MP का माइक्रो लेंस के लिए होगा। तो ये 4 कैमरा दिया जाएगा और इसमें जो 64 MP का सेंसर ये सैमसंग का नया जो हाल ही में अनाउंस किया गया वही सेंसर दिया जाएगा, GW1 सेंसर, इसी सेंसर को यूज किया जाएगा Redmi Note 8 Pro फोन में। और यहाँ पे सेल्फी कैमरा का बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन में 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है, ये कंफर्म नहीं है 32 MP का ही सेल्फी कैमरा मिलेगा बोल के, इसमें 32 MP का मिल सकता है या फिर 20 MP का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, सेल्फी कैमरा के बारे में कंफर्म नहीं है। और यहाँ पे बात करें तो Realme X फोन, तो इसमें आप लोगों को डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो प्राइमरी सेंसर है वही 48 MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, f1.8 अपर्चर का साथ में प्राइमरी सेंसर दिया गया है और जो सेकेंडरी सेंसर है 5 MP का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। दो रियर कैमरा देखने को मिल जाता है बैक साइड में Realme X फोन में। और यहाँ पे बात करें तो इसका सेल्फी कैमरा के बारे में, तो इसमें सेल्फी कैमरा 16 MP का f2.0 अपर्चर का साथ में पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और ये दोनों फोन में रियर कैमरा में LED फ्लैश मिल जाता है, 4K वीडियो रिकॉर्ड सपोर्ट मिल जाता है, दोनों फ़ोन से आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरा से और सेल्फी कैमरा से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोनों फ़ोन में सेल्फी कैमरा में कोई भी LED फ्लैश नहीं दिया है, LED फ्लैश देखने को नहीं मिलता है। और ये दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस का बारे में बात करें तो ये दोनों फ़ोन में परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर मिलेगा, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, दोनों में काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन, तो इसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा MediaTek का सबसे पावरफुल प्रोसेसर, हाल ही में जो लॉन्च हुआ है MediaTek G90T ऑक्टोकोर प्रोसेसर, यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा Redmi Note 8 Pro फोन में और ये सबसे पहले इसी फ़ोन में दिया जाएगा। ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है, ये गेमिंग प्रोसेसर है, इसका क्लॉक स्पीड दिया गया है 2.0
2.05 गीगा क्लॉक स्पीड पर चलता है। और इसका जीपीयू का बात करें तो इसमें जीपीयू देखने को मिलेगा माली G76MP4 देखने को मिलेगा। ये काफ़ी पावरफुल जीपीयू है और यह जीपीयू फ्लैगशिप लेवल फ़ोन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी एक्स फ़ोन तो इसमें प्रोसेसर दिया जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। और इसका क्लॉक स्पीड दिया गया है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलता है। और इसका जीपीयू का बात करें तो एड्रेनो 616 जीपीयू मिल जाता है। और ये दोनों प्रोसेसर का प्रोसेस टेक्नोलॉजी का बात करें तो मीडियाटेक का हीलियो G90T प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पर आधारित है। और यहाँ पे बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर ये 10 नैनोमीटर पर आधारित है। और ये दोनों फोन में एंड्रॉयड 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड 9.0 पाई देखने को मिल जाएगा, दोनों में एंड्रॉयड पाई दिया गया है। और यहाँ पे यूज़र इंटरफेस का बात करें तो OS के बारे में तो Redmi Note 8 Pro फोन में OS देखने को मिलेगा MIUI 11 देखने को मिल सकता है, ये कन्फर्म नहीं हो सकता है इसमें MIUI 10 ही दिया जाए, लेकिन ऐसे लग रहा है ये लीक्स का थ्रू पता चल रहा है इसमें MIUI 11 दिया जाएगा। ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, फोन के साथ ही लॉन्च होगा और इसी फोन में दिया जाएगा। और Realme X का बारे में बात करें तो इसमें कलर हुए 6 देखने को मिल जाता है। और ये दोनों फोन का वेरिएंट का बात करें तो ये दोनों फोन अलग अलग वेरिएंट में आता है। Redmi Note 8 Pro फोन में 4 वेरिएंट दिया जाएगा, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और एक वेरिएंट दिया जाएगा 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और एक वेरिएंट होगा 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक वेरिएंट होगा 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज 4 वेरिएंट का साथ में आएगा। और इसमें मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है, मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं Redmi Note 8 Pro फोन। और यहाँ पे बात करें तो Realme X फोन तो इसमें दो ही वेरिएंट देखने को मिलता है, एक है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक वेरिएंट भी मिल जाता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। ये वेरिएंट अभी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता या फिर किसी भी तरह से आप लोग एसडी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते, अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते रियलमी एक्स फोन में। और ये दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो ये दोनों फोन में बैटरी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। Redmi Note 8 Pro फोन में बैटरी दिया जाएगा 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। इस बार Redmi Note 8 Pro फोन में बैटरी अपग्रेड किया गया है, बैटरी आप लोगों को बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर कंपेयर करें तो Redmi का पुराना फोन में हर फोन में 4000 mAh का ही बैटरी दिया जाता था, लेकिन इस फोन में आप लोगों को 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा Redmi Note 8 Pro फोन में। और यहाँ पे बात करें तो Realme X फोन में तो इसमें आप को 3765 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, 3765 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। ये एक नॉर्मल बैटरी है, इतना पावरफुल भी नहीं है, इतना बढ़िया बैटरी नहीं है। और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा, 27W का क्विक चार्ज 4.0 देखने को मिल जाएगा सपोर्ट। और आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर का बात करें तो 18W का क्विक चार्ज 3.0 देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स Redmi Note 8 Pro फोन में चार्जर 18W का चार्जर दिया जाएगा, ये कन्फर्म नहीं है, लिक्स का थ्रू पता चल रहा है ऐसा ही होने वाला। यहाँ पे बात करें तो Realme X फोन तो इसमें मिल जाता है 20W का वोक चार्ज 3.0 देखने को मिल जाता है, साथ में आउट ऑफ द बॉक्स ही मिल जाता है। और ये दोनों फोन में USB टाइप सी मिल जाता है, दोनों फोन में USB टाइप सी दिया गया है। दोनों फोन में 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है। दोनों फोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो दोनों फोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है। और ये दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, रियर में कैमरा का नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और फेस अनलॉक का बात करें तो इसमें फेस अनलॉक भी मिल जाएगा Redmi Note 8 Pro फोन में। और यहाँ पे बात करें तो Realme X फोन तो इसमें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है डिस्प्ले में, और फेस अनलॉक भी मिल जाता है। तो दोनों में फेस अनलॉक भी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो ये दोनों फोन का डिज़ाइन के बारे में तो ये दोनों फोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Realme X का फोन तो इसका डिज़ाइन तो आप लोग को पता ही है, आप लोग तो देख चुके हैं, ये फोन तो ऑलरेडी है मार्केट में अवेलेबल, इसका डिज़ाइन आप लोग को पता है। और बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन तो इसका डिजाइन भी काफी अच्छा होने वाला है, काफी बेहतर डिजाइन होने वाला है, जैसे आप लोगों को Redmi K20 और K20 Pro फोन में देखने को मिलता है डिजाइन, ग्लास डिजाइन और कार्ब डिजाइन दिया गया है, कार्बन डिजाइन, ये ऐसे ही आप लोगों को डिजाइन देखने को मिलेगा। Redmi Note 8 Pro फोन में भी काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिलेगा, सेम डिजाइन होने वाला है जैसे Redmi K20 फोन में डिजाइन देखने को मिलता है, बैक साइड में ऐसा ही होने वाला है Redmi Note 8 Pro फोन में। और इसमें Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, बैक साइड में Gorilla
ग्लास 5 का प्रोटेक्शन का साथ ही आएगा बैक साइड, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन होने वाला है, काफ़ी बढ़िया होने वाला है, रेडमी नोट 7 फोन से काफ़ी इम्प्रूव होने वाला है, काफ़ी अपग्रेड वर्जन होने वाला है रेडमी नोट 8 प्रो फोन। और ये दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो रियलमी एक्स फोन का प्राइस तो आप लोगों को पता ही है, 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइस है 16,999 रुपीज़, और जो 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज है इसका प्राइस है 19,999 रुपीज़, और जो हायर वारंटी 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज इसका प्राइस है 21,999 रुपीज़। और यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन का बारे में तो इसका प्राइस कंफर्म नहीं है अभी भी, यह तो फोन लॉन्च नहीं हुआ है इसलिए इसका प्राइस भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसका प्राइस स्टार्टिंग होगा 15,000 से और आप टू 20,000 तक जाएगा, 20,000 से ऊपर नहीं होगा, 20,000 का अंदर ही आप लोग को सभी वेरियंट देखने को मिल जाएगा। यह स्टार्टिंग होगा 14,990 रुपये में स्टार्टिंग होगा, 14,999 रुपीज़ से स्टार्टिंग होगा और ये 20,000 तक जाएगा, ये सभी वेरियंट 20,000 का अंदर ही देखने को मिलेगा Redmi Note 8 Pro फोन का। इसका प्राइस कंफर्म नहीं है, जब भी ये 29 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा चाइना में और प्राइस कंफर्म हो जाएगा तो फिर से मैं पूरा डिटेल्स का साथ में और एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल्स में पता चल सके। तो बस दोस्तों ये था कुछ डिटेल्स Redmi Note 8 Pro फोन और Realme X फोन का, कुछ डिटेल्स कंपैरिजन था, स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। अब भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों का मन में जब भी कंफ्यूज था होगा पूरा कंफ्यूज दूर हो गया होगा, और मैं पूरा स्पेसिफिकेशन कवर कर लिया हूँ इसी वीडियो में और पूरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दिया हूँ आप लोगों को। दोस्तों क्या लगा है ये पूरा स्पेसिफिकेशन देख के और क्या लगता है ये दोनों फोन में से कौन सा फोन किलर फोन होगा और कौन सा फोन बेहतर होगा ये दोनों फोन में से, और कौन सा फोन को विनर बनाना चाहोगे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा फोन पसंद आया है ये दोनों फोन में से। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसमें से किलर फ़ोन होने वाला है Redmi Note 8 Pro फोन, और दोनों फ़ोन में कुछ ना कुछ कमी है और कुछ ना कुछ बढ़िया फीचर दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन में इसमें आप लोगों को तीन चीज़ का कमी देखने को मिलेगा, एक तो इसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा, दूसरा है इसमें आप लोगों को पॉपअप सेल्फी नहीं मिलेगा, तीसरा है इसमें आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, और ये सब मिल जाएगा आप लोगों को Realme X फोन में। और Realme X फोन में भी ऐसे तीन चार चीज़ का कमी देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, पुराना प्रोसेसर है, और जो MediaTek का Helio G90 प्रोसेसर ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, Snapdragon 730 प्रोसेसर का बराबर है, उससे भी आगे निकल जाता है, ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और इसमें आप लोग 64MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, चार कैमरा का साथ में आता है, काफ़ी पावरफुल काफ़ी बढ़िया कैमरा है, और इसमें आप लोग को बैटरी भी बढ़िया मिल जाता है, बैटरी पावरफुल बैटरी दिया गया है 4500mAh इसका बैटरी देखने को मिल जाता है, Realme X फोन में बैटरी कम दिया गया है। और इसका डिज़ाइन का बात करें तो डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतर होने वाला है Redmi Note 8 Pro फोन का, तो इसमें क्लियर विनर होने वाला है Redmi Note 8 Pro फोन। और इसका प्राइस भी बहुत ही एग्रेसिव होने वाला है, 15,000 से स्टार्टिंग होगा, ये प्राइस भी बहुत ही एग्रेसिव होगा। तो आपको दोस्तों क्या लगता है ये दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा है, कौन सा फोन बेहतर है, और ये दोनों फोन में से कौन सा फोन आप लेना चाहोगे परचेस करना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस दोस्तों ये था कुछ जानकारी ये दोनों फोन के बारे में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन रहेगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को मिलते रहेगा, और हो सके तो इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं पोस्ट डालते रहता हूँ आप लोगों को मिलते रहेगा। और कुछ भी कन्फ्यूज़ है आपका मन में और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो, दूसरा किसी फ़ोन के बारे में कंपेरिजन चाहते हो, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।